विगत दिनों प्रशासन द्वारा रहवासी इलाके की जमीन को एक संगठन को देने के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विरोध दर्ज करवाया था और उसको लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पर FIR दर्ज की गई, जिसके विरोध में आलोट में कांग्रेस ने गृह मंत्री का पुतला दहन किया। दिग्विजय सिंह मामले को लेकर शिवराज सिंह से मिलने जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ अभद्रता की। उसको लेकर प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है। आलोट में कांग्रेस ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला दहन किया। इस दौरान आलोट युवक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पांचाल के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच पुतले को लेकर छीना छपटी भी हुई। इस दौरान थाना प्रभारी दीपक सेजवार, नायब तहसीलदार रानू माल सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद थे। इस अवसर पर युवक कांग्रेस के लाल सिंह गुर्जर, महेंद्र शर्मा, योगेश निगम, गौरव पामेचा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आलोट से जीतू वरोला की रिपोर्ट। परसों माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए कि जो जमीन आपने बेची है, जो वहाँ पर गरीब लोग बैठे थे, उनको कुछ उनका क्या किया जाए। इस बात को लेकर जब वो मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने गए, व्यवहार था क्योंकि वो भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, इसलिए आज मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस ने आज पूरे मध्य प्रदेश में विक्रांत जी भूरिया के निर्देश पर शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला दहन किया है।